Hello guys, welcome to Life School. Today we'll be talking about the subject solar and wind energy, which we can study at BE Mechanical in the Pune University as an elective. So basically maine video banaya isliye hai ki aap log koi ek particular reference available nahi hai for this subject and you need to do much more internet surfing and all in order to get what exactly the subject want to teach us. So I have done some research and have studied some research papers as well as have read some books, and from that I am going to make this video. Hope you like it and hope you learn from it. So basically I have studied the syllabus mein बेसिकली ये तीन चीज़ों पे फोकस किया है इस यूनिट में इन ऑर्डर टू डिज़ाइन थ्री डिफरेंट सोलर वर्किंग इंस्ट्रूमेंट्स. सो इन दिस वीडियो वी आर पर्टिकुलरली फोकसिंग ऑन द सोलर फूड ड्रायर एंड दीज आर द ओनली थ्री केस स्टडीज विच आर इन द सिलेबस. सो वी डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स एंड लेट्स गेट इनटू द बिजनेस एंड टॉक अबाउट सोलर फूड ड्रायर. अब सबसे पहली बात कि सोलर फूड ड्रायर चीज़ होती क्या है. सोलर फूड ड्रायर वो चीज़ है कि फूड जो फ्राई करते हैं वो बेसिकली एयर फ्राइपर वगैरह जो होता है उसके उसी काइंड ऑफ में अगर आप सोलर हीट यूज़ करते हो सो बेसिकली दैट इज़ अ सोलर फूड ड्रायर. अब आपको फूड ड्राई करने की ज़रूरत क्या है. सो बेसिकली व्हाई इज देयर इज नीड ऑफ ड्राइंग फूड. सो बेसिकली खाना जब भी खाने में जब भी पानी का मतलब पानी रहता है या वेट हम मॉइस्चर बोल सकते हैं उसको मॉइस्चर कंटेंट बोल सकते हैं फूड का. अगर फूड में मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है तो बेसिकली दैट फूड हैज़ मोर एबिलिटी टू गेट रॉटन लाइक बिकॉज बैक्टीरिया उसमें ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं इजीली एज कम्पेयर टू ड्राइड फूड. सो बेसिकली ड्राइड फूड इज नथिंग बट फूड हैविंग लेस अमाउंट ऑफ मॉइस्चर. सो उसे मतलब रॉटनिंग का चांस हो सकता है. देन आप फूड स्टोर कर सकते हो अच्छे से. अगर आप फूड ड्राई कर रहे हो आप ड्राई किया हुआ फूड स्टोर कर सकते हो उसको पैक कर सकते हो इजीली बिकॉज वेट फूड में कभी कभार पैकिंग के लिए आपको यू हैव टू गो विथ प्लास्टिक्स. इन ड्राई फूड यू कैन प्रेफर अदर पेपर एंड ऑल थिंग्स लाइक दैट. सो बेसिकली इन ऑर्डर टू स्टोर फूड एंड टू प्रिजर्व इट फॉर लॉन्ग टाइम वी नीड टू ड्राई फूड. नाउ द टाइप ऑफ सोलर ड्रायर्स. सो टाइप ऑफ सोलर ड्रायर्स में क्या रहता है कि वॉट आर द बेसिक सोलर ड्राइंग टाइप्स. सो इन ओल्डन टाइम्स वॉट वी यूज टू डू इज सपोज वी आर ऑन द फील्ड्स एंड हियर देयर वी हैड सन देन वी यूज टू कीप द फूड ऑन शीट्स और ऑन द फील्ड्स एंड केप्ट इट फॉर सन ड्राइंग. अब अगर मैं ऐसे फूड को रख रहा हूँ देन दिस इज द बेसिक बेसिक एंड द ईजीएस्ट वे विच वी कैन यूज फूड फॉर विच यू कैन यूज अ ड्रायर फॉर फूड. बट देर आर वेरियस हार्मफुल थिंग्स विच कैन हैपन ओवर हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल सन से जो रेज आ रहे हैं वो सारे इसमें से यूवी रेज भी हो सकते हैं कुछ. तो यूवी रेज विच आर नॉट गुड फॉर फूड एंड आवर बॉडी एज वेल एज अभी मान लो मैंने इसको खुले में रखा है एंड यहाँ से कोई पंछी उड़ते हुए जा रहा है एंड देन यू कैन थिंक वॉट कैन हैपन टू दिस. सो बेसिकली देर इज अ चांस ऑफ बर्ड्स एक्सक्रीटा टू इंटर इन टू द फूड. और चीज़ें हो सकती हैं जैसे कि धूल मिट्टी का इस पर आना हवा का चलना. सो दीज आर बेसिकली थिंग्स विच देन वी कैन से द सिस्टम इज नॉट एफिशियंट एज वेल एज दिस सिस्टम इज नॉट दैट गुड फॉर फूड ड्राई. सो For what we have done is we have so first method for first type of food drying is the open air dry. Now let's talk about the second type that is using the solar dryer. So what is basically a solar dryer? So solar dryer kya hota hai ki basically we use a closed compartment where we keep the food for a long time and use a heat the solar heat in order to ड्राई आउट और कैरी आउट इट्स मॉइस्चर कंटेंट. सो वॉट हैपन्स ओवर हियर इज
Let's say consider the first type, that is the integral type or the direct type. Now what is exactly the direct type of solar dryer is, what we do is we use a closed chamber like this, like we have shown over here, if you can see this. So I'll just elaborate the view. This is a closed chamber and here we keep the food. Here is our sun, here is our food, here is a glass, this is sun. Now this is direct drying method. Now here we have enclosed food in a closed container. This is the closed container and we have kept the food. Now what happens over here will, when sun rays will enter here, they will get trapped inside this due to the, because of the feature of total internal reflection. You may have heard about this in greenhouse effect and all. So basically kya hota hai, jab ray andar aata hai, so when it reflects from the food it again reflects from the glass, because it can't go out of the glass, it's just internally reflected. So this is total internal reflection occurring over in the integral type. But इसमें अब इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करें तो बेसिकली क्या होता है कि डायरेक्ट इंटीग्रल फूड टाइप में कैसा होता है, मतलब ड्रायर में क्या होता है कि आप यू आर अगेन डायरेक्टली एक्सपोजिंग टू द सन. सो अभी आप पर क्लोज कंटेनर में, सो आपका बर्ड्स एक्सेट्रा डस्ट एक्सेट्रा का प्रॉब्लम निकल जाता है, बट देर विल बी स्टिल अ चांस ऑफ यूवी रेज एंटरिंग इनटू द सिस्टम. सो बेसिकली दिस इज समथिंग which we should avoid. So that's why this is integral or direct type, active or dry, active dryer. Now active or passive dryer भी हो, मतलब active passive हमें पता है कि अगर active dryer कैसा हो सकता है कि मान लो यहाँ पर अगर एयर फ्लो मैंने मेंटेन कर रखा है किसी पंप से या मान लो मोटर से, सो दैट कैन बी अ थिंग, या फैन से. मान लो जैसे कि यहाँ पे है, यहाँ पे यू कैन सी देर इज अ स्मॉल फैन ओवर हियर. सो ये बेसिकली एक फैन है. तो एक्टिव ड्रायर्स और पैसिव ड्रायर्स में दो डिफरेंस आते हैं मेनली, के एक्टिव ड्रायर यूज अ फैन और अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इन ऑर्डर टू मेंटेन द एयर फ्लो, एंड इन पैसिव ड्रायर्स देर इज नेचुरल एयर फ्लो अकरिंग इन द सिस्टम. सो बेसिकली दीज आर द टू टाइप्स. And from that there are two again types, that is indirect and direct. So direct, indirect and active passive. So there will be four types for each, because direct will come with this, direct type will come with active and passive, and this indirect type will come with active and passive. So let's talk about now indirect system. So first of all, इंटीग्रल टाइप डायरेक्ट में क्या आ रहा था अपने को इशू, के यूवी रेज का प्रॉब्लम हो रहा था. व्हेन फूड विल बी ओपन टू द यूवी रेज, दैट कैन हैम्पर द फूड. सो यहाँ हमने क्या किया, सो ये वही है. अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सोलर ड्रायर ये है, ये है पैसिव टाइप का और इनडायरेक्ट टाइप का. सो बेसिकली पैसिव और इनडायरेक्ट, मतलब पैसिव मैंने क्या, यहाँ पे कोई मैंने फैन या कुछ नहीं लगाया, नेचुरल कन्वेक्शन से सब हो रहा है. अब देखिए इसका सिंपल मैकेनिज्म देखते हैं. सबसे पहले बात, यहाँ सन था, मैंने सी दिस एंगल इज आल्सो इम्पॉर्टेंट इन केस ऑफ डिजाइनिंग ऑफ देम टू, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. मान लो यहाँ पे मैंने कुछ कंटेनर्स रखे या पाइपलाइंस रखी इन ऑर्डर टू हैव एयर फ्लो. सो यहाँ पे कुछ पाइपलाइंस थी which has air. Now मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेज रखे जिन पे मैंने फूड रखा है, which are gauze basically, gauze trays. तो यहाँ पे मैं कुछ जो मुझे फूड ड्राई करना है, मान लो कुछ कच्ची सब्जियाँ हैं या कुछ भी है, जैसे कि कुछ लोग मीट फ्रेश भी ड्राई करते हैं, एग्स वगैरह वगैरह. सो जो भी आपको ड्राई करना है, आई कीप इट हियर ओनली. दिस विल बी द पैसेज फॉर एयर आउट. सो अब क्या होगा, सन के रेज यहाँ पे आएंगे विच विल बी देयर इट ऑन नॉर्मली यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे.
दे विल हीट अप द एयर इन साइड दिस चेम्बर और इन साइड दिस पाइप्स. अब यहाँ पे जबकि यहाँ की एयर जो हीट हो गई है दैट विल गो डायरेक्टली टू दिस फूड ट्रेस, दिस फूड ट्रेस एंड दिस फूड ट्रेस पे जो भी मेरा फूड है उसके मॉइस्चर कंटेंट को कम करके वो हवा या अपना टेम्परेचर कम कर लेगी एंड इट विल कम आउट ऑफ दिस बॉक्स. यहाँ पे कुछ इंसेक्ट गॉज लगाए हुए हैं, वायर गॉज है यहाँ पे, सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट डस्ट एंड इंसेक्ट्स वायर गॉज यहाँ पे लगाया हुआ, मतलब काइंड ऑफ फिल्टर, इट विल एक्ट एज काइंड ऑफ फिल्टर. सो यहाँ पे जब एयर आउट होगी तो फिल्टर जैसे काम करेगा एंड दैट्स इट. सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, अब जब यहाँ पे हवा गर्म होगी तो वो दैट विल बी लाइटर एयर, सो लाइटर एयर विल ट्रेवल अपवर्ड, सो दिस विल गो इन दिस वे एंड अगेन दिस विल गो इन दिस वे एंड अगेन वॉट विल हैपन, देयर विल बी एन ओपनिंग फॉर द एयर एंड दिस विल सेट अ करंट. सो एयर करंट यहाँ पे सेट हो जाएगा जब जब ये एयर गर्म होना चालू होगा. एंड सो दिस इज बेसिकली द मैकेनिज्म ऑफ एन एयर ड्रायर. नाउ लेट्स स्टडी अबाउट इट्स डिजाइन, एक्चुअल डिजाइन दैट वी गोना दैट विच विल बी आस्क्ड इन द एग्जाम. दैट इज द बेसिक एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट वी नीड, वी इंजीनियर्स नीड टू फोकस ऑन. सो सबसे पहले इनके पार्ट्स को जान लेते हैं कि एक एयर ड्रायर का, सोलर एयर ड्रायर का या सोलर एयर ड्रायर का क्या पार्ट्स कौन कौन से होते हैं. सो बेसिकली हमने जैसे कि बात की यहाँ पे ट्रेज है, सो ड्राइंग ट्रेज, ट्रे होता है, देन एयर इनलेट, एयर आउटलेट, देन दिस इज कलेक्टर, दिस होल थिंग इज नोन एज द कलेक्टर, कलेक्टर, देन दिस इज द कलेक्टर शीट और द रिफ्लेक्टर शीट विच वी कॉल, देन दिस इज द ड्राइंग चेम्बर, दिस इज ड्राइंग चेम्बर. ड्राइंग चेम्बर में ट्रेज होते हैं जिन पे फूड रखा जाता है, एयर आउटलेट उसके साथ कनेक्टेड होता है एंड ओपनिंग्स, सेवरल ओपनिंग्स आर देयर एंड दिस इज. सो बेसिकली द टू फंडामेंटल पार्ट्स आर द ड्रायर एंड द कलेक्टर. सो बेसिकली एयर गोज टू द, एयर कलेक्ट्स द हीट, पास इट टू द कलेक्टर, कलेक्टर पास इट टू द एयर, एयर फ्लोज टू द ड्राइंग चेम्बर एंड वेयर फूड ड्राइंग ऑकर्स. सो बेसिकली दीज आर द पार्ट्स एंड दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ सोलर फूड ड्रायर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिजाइनिंग द सोलर ड्रायर. सो बेसिकली इसके पांच सिंपल स्टेप्स हैं जो मैं आपको अभी अभी बताऊंगा. आप कॉपी में नोट कर सकते हैं या इस वीडियो के बाद में जो असाइनमेंट्स हैं या जिन बुक्स से मैंने पढ़ा है, जिन रेफरेंस रिसर्च पेपर से मैंने पढ़ा है, उनका मैं लिंक शेयर कर दूंगा, साथ ही साथ सिलेबस का भी लिंक शेयर कर दूंगा, सो दैट यू कैन कंपेयर एंड लेट मी नो इफ आई हैव मिस समथिंग और थैंक मी लेटर. सो उसके साथ शुरू करते हैं डिजाइनिंग ऑफ द सोलर ड्रायर. सो बेसिकली ये स्टेप वन है. सो अभी अगर हम बात करें कि सोलर ड्रायर को डिजाइन करने के लिए क्या क्या लगेगा, बेसिकली वी नीड टू हैव अ सर्टन क्वांटिटी ऑफ फूड दैट वी गोना यूज फॉर ड्राइंग. सो दैट क्वांटिटी वी शुड नो दैट, सो ड्रायर विल बी डिजाइन फॉर सर्टन क्वांटिटी ऑफ फूड दैट वी आर गोइंग टू ड्राई. सो लेट्स कंसिडर ड्राई करने के बाद, एंड अनदर चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपको उस चीज को कितनी हद तक ड्राई करना है. मान लो आपको आप में उस सर्टन अमाउंट ऑफ फूड कंटेंट 70% ऑफ वेट, मतलब 70% ऑफ मॉइस्चर. सो अब उसका मॉइस्चर कंटेंट आपको 30% करना है, 40% करना है, ड्राइंग पे स्टोर करने के लिए कितने डेज तक स्टोर करना है विदाउट हैम्परिंग द क्वालिटी. सो दैट विल बी डिसाइडेड बाय दैट विल बी डिसाइडेड बाय द डिजाइनर हु वांट्स टू डिजाइन. सो उस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, वी विल एज्यूम के वो डिसाइडेड है पहले से एंड वी नीड टू जस्ट डिजाइन द ड्रायर. सो उसके लिए कैसा है, सबसे पहले मान लो आपको सर्टन अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट पता है कि मेरे को इतना मॉइस्चर कंटेंट इसमें से निकालना है, इस टोटल अमाउंट ऑफ फूड से मेरे को इतना मॉइस्चर कंटेंट निकालना है, दिस शुड गो आउट. नाउ उसके लिए क्या करेंगे हम कि मान दिस, नाउ लेट्स लुक एट दी और वो कैसे निकलेगा, वो
जो मॉइस्चर कंटेंट है वो कैसे निकलेगा अंदर से, जब लेट्स कंसिडर यहाँ पे हमारा ट्रे था, यहाँ पे फूड था जिसमें से अपने को वाटर कंटेंट कम करना है। नाउ हॉट एयर विल पास ओवर इट एंड विच विल लीड इट टू ड्राइंग। सो हॉट एयर नीचे से, मतलब मान लो मोस्टली नीचे से होगा क्योंकि ये गॉज रहता है, एक्चुअली दिस विल बी अ गॉजियन सरफेस, मतलब ऐसा गॉज रहता है वो वायर फिल्टर जैसा, एंड उसके ऊपर फूड रखते हैं हम लोग बड़ा सा ऐसा, एंड देन गर्म हवा नीचे से आती है, जैसे कि हमने पिछले यहाँ पे देखा था कि यहाँ पे एक ट्रे रहेगा, लाइक यहाँ पे एक ट्रे रहेगा उसमें से फिर वैसे पास होगा। यहाँ पे देखो ऐसे बनता है फूड, लाइक ऐसे फूड बनेगा वहाँ पर, वहाँ पे ड्राई होने के बाद। सो लेट्स गेट इनटू द मैटर अगेन। तो मोस्टली एयर सबसे पहले पास होगी, सो एंड फिर एयर का कुछ इनिशियल टेम्परेचर रहेगा T1, एयर का आउटलेट टेम्परेचर रहेगा T2, जो यहाँ पे दिया इनिशियल एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ द ड्राइंग एयर रिस्पेक्टिवली। नाउ आपको CP एयर का पता हो सकता है उस टेम्परेचर पे, एंड मास ऑफ एयर आप पता कर सकते हो इनलेट के थ्रू कितना आ रहा है, बिकॉज मास ऑफ एयर विल बी वॉट, एम ऑफ ए इक्वल्स टू रो डेंसिटी ऑफ एयर इनटू द एरिया एंड द वेलोसिटी। सो बेसिकली फ्रॉम दैट यू कैन कैलकुलेट द मास ऑफ एयर एंटरिंग टू द ड्रायर, CP यू नो, T1 T2 यू नो, सो दीज थिंग्स यू नीड टू नो, एज वेल एज नाउ यू नीड टू नो हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर यू नीड टू टेक आउट और हाउ मच मॉइस्चर कंटेंट यू नीड टू टेक आउट। फॉर दैट टू फाइंड आउट द मॉइस्चर, मतलब अमाउंट ऑफ मास ऑफ वाटर, दैट विल बी कैलकुलेटेड बाय दिस फॉर्मूला। सो आप इसको नोट कर सकते हो, दैट इज बेसिकली MI इज द इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट, ME इज द फाइनल मॉइस्चर कंटेंट इफ इट इज आउट ऑफ 100। सो लेट्स से इनिशियल वाटर कंटेंट था 80%, आपको करना है 30%, 80% था आपको करना है 30%, देन मास इनिशियल मास कुछ था, इनिशियल मास कुछ था, अब आपका फाइनल मॉइस्चर कंटेंट माइनस इनिशियल मॉइस्चर कंटेंट जो होगा 100 माइनस दैट विल गिव यू द मास ऑफ वाटर विच विल बी इवेपोरेटेड। सो दैट मास ऑफ वाटर इनटू द लैटेंट हीट ऑफ वाटर विल गिव यू द अमाउंट ऑफ हीट शुड बी कैरिड बाय द एयर। सो मास ऑफ वाटर इनटू द लैटेंट हीट विल गिव यू अमाउंट ऑफ हीट दैट शुड बी कैरिड आउट विद द एयर। नाउ दिस हीट विल बी प्रोवाइडेड बाय हुम, दिस हीट विल बी प्रोवाइडेड बाय द कलेक्टर। सो इसके बाद जब आपका ये डिजाइन स्टेटमेंट रेडी है, देन यू कैन गो फॉर कलेक्टर डिजाइन। सो ये हमारा सेकेंड स्टेप है बेसिकली, कि सेकेंड स्टू में आपको लोड ऑफ द कलेक्टर डिटरमाइन करना है, दैट इज लोड ऑन द कलेक्टर इज QG। QG यानी एयर को कितना हीट चाहिए। सो सबसे पहले हमने यहाँ से MACP डेल्टा T1 T2 माइनस T2 से निकाला, डेल्टा टी से MACP डेल्टा टी से निकाला कि कितना लोड हीट लोड है। अब ये हमें पता है कि यहाँ पे नाउ अब ये डिटरमाइन हो गया लोड हमारा कितना लोड आ रहा है कलेक्टर पे, देन द स्टेप 3 इज द कलेक्टर साइजिंग। आप कलेक्टर को साइज कैसे करेंगे? नाउ कलेक्टर को साइज करने के लिए हमारे सबसे पहले हम क्या यूज कर रहे हैं, हीट लो यहाँ पे रेडिएशन यूज कर रहे हैं। तो रेडिएशन में जो हीट आएगी वो आएगी इंटेंसिटी इनटू द एरिया। अब हमें इंटेंसिटी पता है, एवरेज इंटेंसिटी कितनी होती है 1357 वाट पर मीटर स्क्वायर। उतनी इंटेंसिटी से, मतलब हम बोलते हैं कि एवरेज उतनी इंटेंसिटी से रेडिएशंस धरती पे आते हैं, तो उस हिसाब से फिर वी कैन कैलकुलेट द इनपुट एनर्जी। अब उसमें वो जो एनर्जी है वो कहाँ कहाँ यूटिलाइज होगी। सबसे पहले एक कुछ इफेक्टिव अमाउंट रहेगा, दिस इज बेसिकली QU इज बेसिकली व्हाट यू कैन सी हियर, QU इज द रेट ऑफ यूजफुल एनर्जी कलेक्टेड बाय द एयर। फिर उसके बाद दिस होल थिंग Q कंडक्टिव कन्वेक्शन एंड Q रेडिएशन, दीज आर दी लॉसेस ड्यू टू कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। सो बेसिकली जब भी कलेक्टर होगा, मान लो ये मेरा कलेक्टर था ऐसे, सॉरी आई एम बैड एट ड्रॉइंग गाइज, सॉरी बट ठीक है, लेट्स आई विल ट्राई टू गिव यू द पिक्चर। सो बेसिकली मान लो ये मेरा कलेक्टर था ऐसे, यहाँ पे मेरे पाइप्स थे, यहाँ पे कलेक्टर था। अब जब भी रेज इस पर आएंगी तो बेसिकली ये भी किसी चीज़ का बना होगा,
और इसके अराउंड भी एयर होगी, तो उसमें से कंडक्टन और कन्वेक्शन लॉसेस हो जाएंगे, एज वेल एज अब इस पर इसका टेम्परेचर राइज होगा तो रेडिएशन लॉसेस भी हो जाएंगे. सो बेसिकली टू अकाउंट दैट वी हैव कंसिडर क्यू कंडक्टेंस, क्यू कन्वेक्शन एंड क्यू रेडिएशन. दीज आर लॉसेस एंड क्यू पी इज द रिफ्लेक्शन लॉस, लाइक रिफ्लेक्शन लॉसेस फ्रॉम द एब्जॉर्बर. सो ये भी एक एब्जॉर्बर है. अब सारी की सारी इंटेंसिटी तो एब्जॉर्ब नहीं होगी ना, पहले कुछ रिफ्लेक्ट भी हो जाएगी. सो इन ऑर्डर टू कंसिडर दैट वी हैव कंसिडर द रिफ्लेक्शन लॉसेस. सो ये रिफ्लेक्शन लॉसेस के लिए था. सो आप इसे आप अभी ये इक्वेशन लिख सकते हो, या मैं कुछ फाइल्स अटैच कर दूंगा, उसको पढ़ के भी आप अच्छे से समझ जाओगे. नाउ इन तीनों को मिला के, सो अभी मैं जानता हूं कि इन तीनों चीजों से लॉस हो रहा है, तो इन तीनों लॉस, ये तीनों अगर लॉसेस ही हैं और एक पर्टिकुलर टाइप की वजह से ही हो रहे हैं, लाइक दैट इज हीट फ्लो की वजह से ही हो रहे हैं, तो मैं इन तीनों को एक साथ में कुछ बोल देता हूँ. सो इन ऑर्डर टू मिनिमाइज माई कैलकुलेशन, सो फिर मैंने क्या किया कि इन तीनों को, दैट इज द लॉसेज ड्यू टू कंडक्शन कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, आई हैव टेकन दैट एज क्यू एल, दैट इज क्यू लॉसेज, क्यू लॉस्ट इन द लॉसेज. नाउ क्यू एल हमें पता है कि दैट इज द नेट रेडिएशन, दैट इज द नेट लॉस ड्यू टू रेडिएशन कन्वेक्शन एंड कंडक्शन. सो वी नो द नेट हीट को, हीट ट्रांसफर कोइफिशियंट फॉर कंडक्टेंस कन्वेक्शन एंड रेडिएशन इज यू एल, दैट इज यूनिवर्सल हीट ट्रांसफर कोइफिशियंट. सो यूनिवर्सल हीट ट्रांसफर कोइफिशियंट इन टू एम इन टू डेल्टा टी, दैट विल बी, दैट शुड बी, सॉरी इन टू ए इन टू डेल्टा टी. सो दैट शुड बी माई हीट हीट लॉस ड्यू टू कन्वेक्शन कंडक्शन एंड रेडिएशन. एंड इंटेंसिटी ऑफ आई कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ, बिकॉज सी इंटेंसिटी आई कैन राइट इन दिस फॉर्म, आई सी इक्वल्स टू टाउ. सो आपने अगर बेसिक रेडिएशन पढ़ा है तो आपको मालूम होगा कि यू कैन राइट दिस आई ए सी इन टू, दैट इज द टाउ इज ट्रांसमिटेंस, ट्रांसमिटेंस एंड ट्रांसमिटेड हीट. सो इन दैट फॉर्म वी कैन राइट इट लाइक दैट. सो सब आप तीनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे, यू विल गेट द फाइनल क्यू यू, दैट इज इफेक्टिव हीट दैट दैट कैन बी पास टू द एयर, दैट विल बी इक्वल टू दिस. सो दिस वन माइनस रो क्वांटिटी, वन माइनस रो कैन, दैट इज वन माइनस रो इज रिफ्लेक्टिव कोएफिशिएंट, दैट यू कैन ऑल्सो राइट एज अल्फा. सो अल्फा टाउ आई टी ए सी माइनस क्यू एल विल गिव यू क्यू यू टू क्यू यू. अब यहां से आपको पता चल सकता है कि हमने एग्जैक्ट कितना हीट चाहिए गैस को, वो भी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे सारी क्वांटिटीज हमको नोन होंगी, क्योंकि क्यू एल जो है, क्यू एल विल बी डिटरमाइंड, यू एल जो है वो मटेरियल से डिटरमाइन हो जाएगा, मटेरियल और एयर के सराउंडिंग से. ए सी जो है वो हमें पता, ए सी हमें डिटरमाइन करना है बेसिकली, तो ए सी वैसे ही रहेगा एंड डेल्टा टी भी वैसे ही रहेगा. अब यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये चीजों को सबको एक साथ मिला के यू कैन पुट इट इन दिस फॉर्मूला, दैट इज द कलेक्टर रिमूवल फैक्टर. रिमूवल फैक्टर में आपको ये चीज मालूम है, एक चीज मालूम है, आप कलेक्टर हीट रिमूवल फैक्टर यू, दिस इज बेसिकली द क्वांटिटी व्हिच रिलेट्स टू द एक्चुअल यूजफुल एनर्जी गेन्ड बाय द कलेक्टर. अब सेवरल टाइप्स ऑफ मटेरियल्स के लिए एक एम्पिरिकल रिलेशंस के साथ कुछ कलेक्टर रिमूवल फैक्टर होता है, जैसे कि एफ आर की वैल्यू, दिस वैल्यू वेरीज फ्रॉम 0.3 टू 0.85, सॉरी 0.85 तक ये वैल्यू वेरी करती है, 0.3 टू 0.85. सो एफ आर की वैल्यू आप कौन से एलिमेंट्स के साथ ये यूज कर रहे हैं उस हिसाब से आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं. सो फ्रॉम दैट यू कैन कैलकुलेट द एरिया विच विल यू रिक्वायर फॉर दैट पर्पज. सो यहाँ से एरिया मिल गया. अब एरिया के साथ अपना कलेक्टर आप डिजाइन कर सकते हो बाय कंसिडरिंग सर्टन एस्पेक्ट रेशियो, दैट इज अगर आपको मान लो एरिया कुछ मिल गया सर्टन ए, सो दैट शुड बी इक्वल टू एल इन टू बी. अब आप इसमें से आप कुछ इलरेशन डाल दो कि एल इक्वल्स टू टू बी, एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ बी आपको एरिया मिल जाएगा, फिर आप एल निकाल लोगे उससे.
So that thing you can do. So basically designer do that things and find out the exact area. उसके बाद आप collector efficiency भी find out कर सकते हो using this formula, which is basically QG that you know and the total incident radiation on the collector surface. So that will whole that will give you the exact total efficiency of the dryer, and that's how exactly what we predict the performance and all. So that was basically the video regarding that air dryer design. Now I would like, I know it's cliche, but I would like you to like, comment and subscribe my channel, and zarur share karna doston ke sath. I hope ye aapko helpful tha. Thank you.